वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम देखेंगे, पहले समझेंगे, सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। देखिए, स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है, ये वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका जो लैटिन वर्ड है वो वर्ड था स्टेटस। और स्टेटस आपको क्या है, आज की डेट में व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक, आपको पता है स्टेटस का से इन जनरल मीनिंग क्या होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटस का मतलब होता है कि सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन चल रही है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेटस। तो स्टेटस वर्ड से हमारा क्या मिला है, स्टैटिस्टिक्स बना है। ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप देख ही रहे होंगे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टैट्स की जो डेफिनेशन है वो है, स्टैट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डाटा, प्रेजेंटिंग दिस डाटा इन सच अ वे दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉ इजिली फ्रॉम इट। मतलब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डाटा है। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा रहेगा, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इजीली समझ सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं या कुछ कंक्लूड करना हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोल के रखी है वो है न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो न्यूमेरिकल डाटा की अगर हम लोग बात करें, तो डाटा जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। जो हमारा डाटा है, मैं पहले लिख देता हूँ, डेटा मतलब डेटा का इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी मीनिंग होता है, ठीक है। तो एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी, क्लियर है। अब ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि आप खुद से जाके कलेक्ट करते हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो डायरेक्टली उसको रिक्वायरमेंट है और खुद से जाके उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे, जैसे कि आपकी बुक में भी देखा के रखा हुआ है कि पोलियो कैंप करना है, उसके लिए जो चिल्ड्रन है 5 साल से बिलो के एक पर्टिकुलर कॉलोनी में, तो इन्वेस्टिगेटर बोलिए या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो खुद से जाकर के डाटा कलेक्ट कर रहा है कि कितने बच्चे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, या किस कंडीशन में है, किस स्टेज में, जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी उससे रिलेटेड बारे में, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो खुद से आगे कलेक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा बोलेंगे, क्लियर है। और सेकेंडरी डाटा कब बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा हम लोग तब बोलेंगे अगर सपोज कीजिए कि वो इन्वेस्टिगेटर खुद से नहीं जा रहा है, वो किसी एजेंसी के थ्रू या किसी और के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी प्रैक्टिस सेट जब हम सॉल्व करेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लासिफाई करना है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन थी अटेंडेंस की हर एक स्टूडेंट की, वो कलेक्ट कैसे की गई है, बाय विजिटिंग। देखिए, क्वेश्चन में आपका आंसर यहाँ पे गिवन होता है, तो ये बता रहा है बाय विजिटिंग एवरी क्लास, मतलब उसने जो पर्सन है उसने खुद जाके विजिट किया है और डाटा को कलेक्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया, डाटा जो हमें गिवन है वो क्या है, प्राइमरी डाटा है। फिर डाटा इज कलेक्टेड बाय एक्चुअल विजिट सिंस दी डेटा इज कलेक्टेड बाय एक्चुअल विजिट ऑफ एवरी क्लास ऑफ एवरी क्लास इन अ स्कूल स्कूल देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी डेटा, देयरफॉर इट्स प्राइमरी डेटा। इट इज प्राइमरी डेटा, क्लियर है। हम देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला था इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आर गैदर्ड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड्स एंड सेंड टू हेड ऑफिस एज इट वॉज टू बी सेंट अर्जेंटली। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर की गई रिकॉर्ड में से, रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे देखिए आप सब रिकॉर्ड्स जो सब समझ ही होंगे कि मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा था किसी और पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है, ये कौन सा डाटा है, सेकेंडरी डाटा हो गया। यहाँ पे द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स वॉज गैदर्ड, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस द डाटा वॉज गैदर्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, सिंस
दी डेटा वॉज गैदर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, देयर फोर इट इज सेकेंडरी डेटा। ओके क्लियर है। अब थर्ड सब पार्ट देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है। एक विलेज है नंदपुर, नंदपुर में क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई हर घर से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। मतलब हर घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल में विजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो विजिट जो कलेक्ट की गई है वो एक्चुअल विजिट से कलेक्ट की गई है, कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस। देखिए बहुत डायरेक्टली यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, बट इसका सिंपल समझ ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने खुद से विजिट किया होगा, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड को रेफर नहीं किया, कोई एजेंसी को, कोई थर्ड पार्टी को यहाँ पे रेफर नहीं किया इस डाटा के लिए। ठीक है, तो सिंस दी जो न्यूमेरिकल डाटा था इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल विजिट, सिंस द डेटा दी डेटा इज बेस्ड ऑन एक्चुअल विजिट, देयर फोर इट इज प्राइमरी डेटा। ओके अब हम देखते हैं फोर्थ सब पार्ट, और फोर्थ सब पार्ट में क्या बोल रहा है। फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। मतलब कि बहुत सिंपल था, विजिट किया मतलब खुद से आप जा रहे हैं, मतलब जिसको जो डेटा चाहिए था उसी ने विजिट किया है डायरेक्टली, मतलब ये डेटा लिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज, तो यहां पे लिख देंगे आप दी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय एक्चुअल विजिट देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी डेटा। ओके आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट वगैरह तो उसके लिए कमेंट कीजिए, और देखने के लिए थैंक यू।